हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन RCI एजुकेशन हब ऑनलाइन क्लासेज। डियर स्टूडेंट्स, हम प्रेजेंट सिंपल टेंस पढ़ रहे थे जिसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे दूसरा सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए नोट का प्रयोग करना होता है। नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य बनाने के लिए नोट का प्रयोग करना होता है। नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। अब हम यहाँ पर दो प्रकार के हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे। पहली होती है डू और दूसरी होती है डज। डू और डज दो हेल्पिंग वर्ब काम में लेनी होती है। अब दोनों हेल्पिंग वर्ब को एक साथ तो काम में नहीं ले सकते, या तो डू आएगी या डज आएगी। तो हमें सबसे पहले यह पता लगाना होगा कि डू का प्रयोग कहाँ किया जाएगा और डज का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। डज का प्रयोग डच का प्रयोग ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। डज का प्रयोग ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। दूसरा है डू। डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। डू का प्रयोग कहाँ करेंगे? डू का प्रयोग आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। अब हम आगे बात करेंगे फॉर्मूले की। फॉर्मूला होता है इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या काम में लेनी होती है? डू और डज प्लस तीसरे नंबर पर नोट प्लस एम वी फर्स्ट
प्लस ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या काम में लेनी होती है? डू और डज। उसके बाद तीसरे नंबर पर किसका यूज करेंगे? नोट का प्लस एम वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका एग्जाम्पल पढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल है वह एक पत्र नहीं लिखती है। वह एक पत्र नहीं लिखती है। अंत में ती आ रहा है, हम पहचान जाएंगे कि यह प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य है और वाक्य में क्या दिया हुआ है? नहीं। तो कौन सा सेंटेंस है? नेगेटिव सेंटेंस है। फॉर्मूले के आधार पर हम बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे। क्या हेल्पिंग वर्ब काम में ली जाएगी यहाँ पर? डज। उसके बाद तीसरे नंबर पर नोट। उसके बाद वर्ब क्या कर लिखने की? राइट। एक पत्र, एक लेटर। वह एक पत्र नहीं लिखती है। सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे डज। तीसरे नंबर पर नोट। क्या क्रिया कर रहा है वर्ब? राइट ए लेटर। ही डज नोट राइट ए लेटर। अगला एग्जाम्पल है तुम स्कूल नहीं जाते हो। ते हो, पहचान गए। प्रेजेंट सिंपल टेंस है, नहीं दिया हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है। बनाएंगे सबसे पहले यू। यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू एटस में से? डू। उसके बाद में तीसरे नंबर पर नोट। क्या क्रिया कर रहा है? जाने की। गो टू स्कूल। तुम स्कूल नहीं जाते हो। यू डू नॉट गो टू स्कूल। तीसरा एग्जाम्पल है सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है। सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है। बनाएंगे सबसे पहले सब्जेक्ट सीता। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लेंगे? डज। तीसरे नंबर पर नोट। उसके बाद वर्ब सिंग ए स्वीट सॉन्ग। सीता एक मधुर गाना नहीं गाती है। सीता डज नॉट सिंग ए स्वीट सॉन्ग। डियर स्टूडेंट, आज हमने नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिया है। आगे
आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।